नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीन से पहले आज वियतनाम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 साल बाद किसी भारतीय पीएम का दौरा। 2001 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था वियतनाम का दौरा। पेशावर में क्रिश्चियन कॉलोनी में आतंकी हमले के बाद अब मर्दान में डबल धमाके, 10 लोगों की मौत, मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1। मौसम विभाग ने जारी की सुनामी की चेतावनी। स्पेस टेस्ट के दौरान ब्लास्ट से दहला फ्लोरिडा। ब्लास्ट में एक रॉकेट और सैटेलाइट खराब। रॉकेट में ईंधन डालने के दौरान हुआ हादसा। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान अपने दुश्मनों के नापाक इरादों से वाकिफ, भरोसा है पाकिस्तान सही दिशा में बढ़ेगा आगे। नेपाल सरकार ने की भारत और चीन के लिए अपने राजदूतों की नियुक्ति। भारत में नेपाली राजदूत बने दीप कुमार उपाध्याय, चीन में नेपाली राजदूत बनाए गए लीलामणि पौडेल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।